विधानसभा सामान्य निर्वाचन नियमित जनपद में कुल 2030 बूथों पर 1121 कर्मियों की तैनाती जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्रिटिकल बूथों पर लगाई गई है, जिसके लिए प्रथम दिवस में 1103 बूथों के लिए 531 कार्मिकों का प्रशिक्षण एनेक्सी भवन में कराया गया, जिसमें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर एवं ग्रामीण तथा सहजनवा विधानसभा के रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, खंड के प्रेरक एवं ब्लॉक मिशन मैनेजर तथा उनके नोडल सुपरवाइजर एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में कुल 4126 बूथ हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 50% बूथों पर वेबकास्टिंग करानी है तथा निर्देशित किया गया है कि 60% बूथों को चिन्हित कर लें तो 50% में लगभग 2100 बूथ पड़ता है। इन बूथों पर वेबकास्टिंग कराने के लिए पोलिंग पर्सन लगाए गए हैं। इस अवसर पर पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं एएनआर स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तकनीकी सहयोगी कृष्णा प्रसाद एवं पंचायती राज की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं ओडीएफ बच्चा सिंह तथा ब्लॉक मिशन मैनेजर एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, 9126 कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इलाज पे हम लोगों को बताइएगा, हम लोग जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। जिनका नंबर है 9450197801, मैं फिर से रिपीट कर, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं जब भी दिक्कत हो आपको, अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो। इनका नाम है शशिभूषण सिंह जी का नंबर नोट कीजिए, 9। हमारे दाएं साइड में जो डीपीआरसी के फैकल्टी मेंबर हैं, ये ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, ये इनका नाम बलदेव तिवारी जी है, 23। अब आप लोग वीडियो को फिर से देखिए, ये सभी नंबर जो अभी डीपीआरसी ने बताया है आपके ग्रुप में है, आपके नंबर के द्वारा सबमिट कर दिया है। स्ट्रीमिंग किट इंस्टॉलेशन और किट के बारे में जानकारी पूरा लेंगे, तो पहले मैं शुरू करता हूँ किट के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। जिस तरह से ये 3 मीटर का केबल है जो कैमरा से आप पावर प्लग पे कनेक्ट करें, के लिए यूज करना है, एक बैकअप इन केस अगर एक मेल कुछ खराब हो जाता है तो आप पूरे मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइप का एक 4G डोंगल मिलेगा आपको, जियो का या एयरटेल का या कोई भी, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू इस कैमरा को लाइव स्ट्रीम करेंगे। और इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी जरूरी है आप लोगों के लिए। पहले कैमरा का एंगल ऐसा रखें कि पूरा रूम कवर हो, ईवीएफ मशीन कवर हो, दरवाजा कवर हो, तो कैमरा, और आपको कैमरा 5 या 6 फीट के हाइट के ऊपर रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी हो। तो अभी हम कैमरा का इंस्टॉलेशन, सबसे पहले हमें स्क्रू माउंट करना है वॉल पे, जिसपे ये क्लैंप हमारा बैठा था, अभी हम देखते हैं स्क्रू माउंटिंग और क्लैंप कैसे बैठाएंगे हम। पहले हमें ये करना है कि कैमरा का बेस जो है इसके अंदर हमें फिक्स करना है, उसके बाद हमें क्लैंप को माउंट करना है। तो कैमरा का बेस हम इस तरह से फिक्स करेंगे, इसके अंदर लेके जाके इसको नीचे की तरफ सरकाएंगे। अभी हमारा कैमरा का बेस यहाँ पे फिक्स हो गया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में कुल 4126 बूथ हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमें 50% बूथों पर वेबकास्टिंग करानी है, और उसके लिए निर्देशित किया गया है कि हम 60% बूथ को चिन्हित कर लें, तो 50% बूथ हमारे यहाँ लगभग 2100 बूथ पड़ते हैं। इन 2100 बूथों पे वेबकास्टिंग कराने के लिए हमारे पोलिंग पर्सनल लगाए गए हैं, उनका NXC में प्रशिक्षण चल रहा है आज सुबह से ही अलग अलग विधानसभाओं का।